सो हाय गाइस, तो और क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। देखो यार, मैं बहुत टाइम से बुइया बास को लेकर वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे आज मतलब ऐसा लगा अंदर से कि यार क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए बुइया बास के ऊपर, जहां पर तुम्हें एक ही वीडियो के अंदर दो दो बुइया बास दिखा दिया जाए, यहां तक कि तीन तीन बुइया बास दिखा दिया जाए। तो इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने सेप्टेम्बर मंथ बुइया बास के बारे में, अक्टूबर मंथ बुइया बास के बारे में, नवंबर मंथ बुइया बास के बारे में। अब मुझे पता है कुछ भाई लोगों ने यहाँ पर सेप्टेम्बर मंथ का बुइया बास देख लिया हो, तो उनका वो पार्ट स्किप कर देना का होगा। बाकी जो अक्टूबर मंथ का बुइया बास है वो तक आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, नवंबर मंथ का जो बुइया पास है वो अभी तक आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, बिल्कुल दावे के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए आज आपको मैं रिव्यू कराऊंगा अपने सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ तीनों बुइया पास का फुल रिव्यू। तो इसलिए आओ शुरू करते हैं बिना कुछ देर करके। और वैसे उसके पहले एक छोटा सा चेंजेस मुझे कवर करना है, उन चेंजेस के बाद मैं बुइया पास के ऊपर आ जाऊंगा। चेंजेस नहीं है, एक न्यू शॉटगन को लेकर है। बस जितने सारे प्लेयर ये सोच रहे हैं न्यू शॉटगन हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा आफ्टर OB46 अपडेट, और उसके साथ में क्या हम M1007 का मुकाबला कर सकते हैं, क्या हम M10 लेकर उसका मुकाबला कर सकते। जरा आओ पहले हम ये टेस्ट करते, फिर हम बुइया बास के ऊपर आ जाएंगे। अब गाइस, यहां पर अगर हम टेस्ट करें कि आप लोगों को जो अपने गेम के अंदर अपडेट देखने को मिलने वाले उसके बाद आने वाले न्यू शॉटगन को, तो आप लोग यहां पर शॉटगन का लुक वगैरह देख पा रहे हो कैसा क्या कुछ ये देखने में होगा। अब भाई इसको अगर हम टेस्ट वगैरह करें ना कि कौन सा गन स्किन से तेरे मैचिंग करेगा, मतलब किस गन को ये बीट कर पाएगा, तो आओ शुरू करते हैं M1007 से, क्या इसको टक्कर दे सकते हैं ये। अब इसको जब तुम वेस्ट के ऊपर मारोगे ना, तुमको कुछ इस तरीके से नॉर्मल गन की तरह डैमेज देखने को मिलेंगे, मतलब यार ऐसे 20-25 का शॉटगन इतना कम डैमेज देता है ये देखकर आज पता चल रहा है। खैर, इसके अंदर में सिर्फ एक ही बुलेट देखने को मिलेगा। वहीं पर गाइस, अगर आप लोग यहां पर M1007 का यूज करते हो, आप लोगों को पता है कि कितना बढ़िया तरीके से बंदे को मार सकते हैं। लेकिन भाई वहीं पर ये वाला जो शॉटगन गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का शॉटगन दिया गया है, मतलब ये आप लोगों को कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाले, और इसके अंदर सिर्फ तुमको एक ही बुलेट देखने को मिलेगा। वहीं पर गाइस अगर हम बात करें M10 की, तो ना तो ये M10 से मुकाबला कर पाएगा और ना ही भाई ये आपका M1007 से मुकाबला कर पाएगा। तो अपने गेम के अंदर गाइस आपको जो अभी फिलहाल M1007 देखने को मिल रहा है वही बेस्ट है, एंड M1014 ही बेस्ट है, बट ये गन स्किन कुछ खास नहीं होने वाले, तो इसको जो यूज है बहुत कम रहेगा। बट हाँ, इसका यूज एक चीज पर आएगा गाइस, अगर आप लोग वन टैप मारना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सिर्फ वन टैप से गेम प्ले करना है, आप लोगों को सिर्फ वन टैप मारना है, तो उस केस में ये गन स्किन बहुत काम आएगा। बहुत दूर तक ये वन टैप से बंदे को मार सकते हैं, इसका हेडशॉट में डैमेज काफी ज्यादा आपको मिलेगा, थोड़ा लॉन्ग रेंज से भी आप लोग 300 तक डैमेज कर सकते हो हेडशॉट में। तो वन टैप से आप लोग इसे ही मार सकते हो, लेकिन उसके लिए भी वुड पिकर है, फिर डिजर्ट ईगल है जो कि ज्यादा यूज होते हैं कस्टम के अंदर, सीएस के अंदर, तो उसी का यूज रहने वाले। मुझे लगता नहीं कि शॉटगन कुछ खास काम आने वाले, तो करने वाले को बाद में इसको इंप्रूव करना होगा अपडेट देकर, तब जाके शायद ये गेम में काम आ सकता है। तो मुझे तो ऐसे ही पता चला था, फिर आप में से बहुत से लोग इसका कंपैरिजन चाह रहे थे, तो मैंने आपको करके बता दिया। अब आप लोग बताना कि आपको बढ़िया लगा है कि नहीं लगा है, कौन कौन इस शॉटगन को यूज करोगे। सिर्फ एक ही बुलेट रहेगा, एक सेकंड के अंदर गन स्किन रिलोड भी हो जाएगा, रिलोड होने में टाइम नहीं लगेगा, एक गोली निकलेगा तुरंत गन स्किन लोड भी हो जाएगा, ताकि आप लोग दूसरा जो है फायरिंग कर सको। तो खैर, अभी आप लोग बताना, अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम फिलहाल आगे बढ़ते वीडियो में, और अब चर्चा करने वाले खास करके बुइया पास को लेकर। सबसे पहले कुछ सेकंड के अंदर हम सेप्टेम्बर मंथ का बुइया पास देख लेते, देन हम दिखाएंगे अक्टूबर, फिर हम दिखाएंगे नवंबर मंथ का बुइया पास। तो सबसे पहले गाइस हम शुरुआत करते हैं अपने सितंबर मंथ का बुइया पास से। आप लोग यहां पर सितंबर मंथ का जो बुइया पास है उसका रिव्यू देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको ये वाला फीमेल बंडल बुइया पास के अंदर देखने को मिल जाएगा, देखने पर आपको थोड़ा सा बढ़िया ही देखने को मिलने वाले ये वाला फीमेल बंडल। वैसे गाइस इसके अंदर आप लोगों को एलिमिनेशन इफेक्ट और नॉकडाउन इफेक्ट ये दोनों भी जो है नजर आ जाएगा, जो कि आप लोग रिव्यू के अनुसार यहां पर देख पा रहे हो। वैसे ये इफेक्ट अभी हर एक बंडल के अंदर आते रहते हैं। उसके बाद आप लोग को बुइया पास के अंदर जो चारों आइकॉन देखने को मिलते हैं, चारों एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आप लोग को मिल जाएगा। देन गाइस कुछ इस तरीके से आपको एक नॉर्मल सा लूट बॉक्स का स्किन देखने को मिलने वाले, ये फ्री का होगा, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से फ्री का बैनर देखने को मिलेंगे। देन ये बुइया बस का आपको बाइक का स्किन देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको बुइया बस को अपग्रेड करना होगा, तब जाकर आपको ये मिलेगा। देन गाइस इसके लिए भी आपको बुइया बस अपग्रेड करना होगा, ये होगा लूट बॉक्स जो कि भाई एकदम खजाना से भरा हुआ है, ऐसा कुछ लूट बॉक्स का स्किन आपको देखने को मिलने वाले। ये होगा सर्व बोर्ड का स्किन, ये भी पेड होगा, ये भी आपको बुइया बस के अंदर देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको बुइया बस को अपग्रेड करना होगा। देन गाइस आपको यहाँ पर वुड पिकर का गन स्किन देखने को मिलेंगे, उसके पहले आपको एक अवतार देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें वुड पिकर गन स्किन की बात, तो गाइस इसके अंदर आप लोग को डबल रेंज और साथ में सिंगल रिलोड स्पीड एंड मूवमेंट स्पीड को माइनस दिया जाएगा। एट्रीब्यूट कुछ खास नहीं है, अगर यहाँ पर भाई थोड़ा सा रेट ऑफ फायर बढ़ता, डैमेज बढ़ता ज्यादा बेहतर होता। खैर, यहाँ पर रेंज को इंक्रीज किया गया है। देन आपको ये वाला पेन का स्किन देखने को मिल जाएगा, देखने पर आपको ये भी थोड़ा सा बढ़िया ही देखने को मिलने वाले, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा है, थोड़ा मोड़ा बढ़िया लगा है। उसके बाद एक फ्री का चश्मा आपको देखने को मिलने वाले। देन गाइस नीचे आपको बैकपैक का स्किन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये बैकपैक Level 3 का ही बढ़िया होगा, Level 1-2 बिल्कुल बेकार लग रहा है मुझे, Level 3 का भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, 30% 40% बस बैकपैक बढ़िया है। देन आपको ये वाला ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाले। वैसे गाइस ये जो ग्रेनेड का स्किन है ये भी काफी मस्त दिया गया है। इसके बाद आपको ये वाला इमोट देखने को मिलने वाले हैं बुइया बास के अंदर, कुछ आप लोग इस तरीके से भाई यहाँ पर देख पा रहे हो, कैप्टन विक्टर ऐसा कुछ नाम रखा जाएगा इमोट का, तो भाई जो भी हो इमोट आपको मैंने दिखा दिया हूँ। उसके बाद फाइनल आप लोग को ये वाला बंडल बुइया बास के अंदर देखने को मिल जाएगा 100 लेवल कंप्लीट करने पर। तो ये होने वाले अपने बुइया बास का मेल बंडल का फुल रिव्यू। यहाँ पर मैंने आपको सितंबर मंथ पूरा बुइया बास दिखा दिया हूँ, लेकिन इसका एक टांग नहीं है भाई साहब, एक टांग है, दूसरे टांग पे कुछ चीजों का लगा गया है, मतलब एक टांग वाला बंदा है ये, एक टांग वाला बुइया बास का बंडल है ये,
बंदा नहीं है, बुढ़िया बस का बंडल है। तो भाई साहब जो भी हो, ये आपको सेप्टेम्बर मंथ बुढ़िया बस अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले, आपको मैं पूरा रिव्यू करा दिया हूँ। अभी आप लोग बताओ सेप्टेम्बर मंथ बुढ़िया बस देखने पर आपको कैसा क्या कुछ लगा है? जो ओवरऑल ठीक ठाक लगा है, इमोट वगैरह देखकर, आइटम्स वगैरह देखकर ठीक ठाक आपको लगा है, बट हाँ गुलवाल नहीं मिलेगा, गुलवाल आपको मिलेगा अक्टूबर मंथ बुढ़िया बस के अंदर। तो इसलिए आओ अब हम जरा देखते हैं अपने अक्टूबर मंथ बुढ़िया बस का पूरा फुल रिव्यू। लेकिन ये रिव्यू निकल कर आया हुआ नहीं है, ये एक फोटो के अनुसार निकल कर आया हुआ है और वही आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। आइटम बिल्कुल क्लियर आ गया है एचडी क्वालिटी में, तो आप लोग को आइटम देखकर पूरा समझ में आ जाएगा क्या कुछ आइटम सबको मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं अक्टूबर मंथ बुढ़िया बस का फुल रिव्यू। तो अब हम गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दिया, फिर मैंने थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप को रेडी किया हूँ, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए। बट देखो यार आपको यहाँ पर राइट साइड में रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, बीच में आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर मैं एरो कर दिया हूँ, इस जगह पर आप लोग रिव्यू को देखो, आपको यहाँ पर आइटम्स दिख जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको ये वाला सर्ब वोट का स्किन देखने को मिलने वाले, मतलब अभी तो वीडियो क्लिप के अनुसार निकल कर आया नहीं, इसलिए आपको मैं मुझे फोटो में दिखाना पड़ रहा है, लेकिन छोटा करके बस वीडियो क्लिप के रूप में। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कह सकते हो कुछ शूज जैसा दिख रहा है, बता दूंगा ये भी क्या है आगे जब मैं इसका बैनर दिखूंगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद आपको 50 लेवल पर ये वाला ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाले, देखने पर आपको ये बढ़िया देखने को मिलेंगे। देन गाइस ये ऐसे बैकपैक का स्किन होने वाले गोल्ड टाइप का, या फिर लूट बॉक्स का स्किन होगा शायद से। खैर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड, आपको यहाँ पर गाइस और भी कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये होने वाला है गुलवाल का स्किन, बड़ा भयंकर गुलवाल स्किन डिजाइन किया गया यार, देखने पर कुछ भयंकर लग रहा है मुझे गुलवाल स्किन। खैर उसके बाद उनको ये वाला गन स्किन देखने को मिलेंगे, जो कि जिसके अंदर हमें 100 MO एक साथ में देखने को मिलती है ड्रॉप के अंदर जो कि होता है, तो वो देखने को मिलेंगे। देन तुमको ये वाला बंडल देखने को मिल जाएगा। अब जरा गाइस हम इसका बैनर देखते हैं, फिर हमें रिवॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा असली में। अब गाइस जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बैनर दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले ये होने वाला है गुलवाल का स्किन, कुछ भयंकर गुलवाल स्किन डिजाइन किया गया भाई, मैं तो ये बुढ़िया बस को बाई करूंगा अक्टूबर मंथ बुढ़िया बस को। देन तुमको ये वाला डॉल्फिन का गन स्किन देखने को मिलेंगे, 100 MO जिसके अंदर होता है। देन आपको ये वाला गुलवाल के साथ से ये बैकपैक स्किन होगा बेसिकली, या फिर लूट बॉक्स का स्किन होगा बेसिकली, लेकिन जो चप्पल यहाँ पर दिया गया है ये लूट बॉक्स का स्किन होगा और पास में ग्रेनेड स्किन होगा। देन ये बंडल और ये गन स्किन जो कि आपको मैं पहले दिखे हूँ, तो ये कुछ रिवॉर्ड्स अभी का टाइम पे ऐसे रूप में निकल कर आया हुआ है। बस मैं वीडियो के अंदर भी दिखा दिया हूँ, बैनर के अंदर भी दिखा दिया हूँ, आप लोगों ने सब कुछ देख लियो। अब बहुत जल्द इसका रिव्यू भी निकल कर आ जाएगा आफ्टर अपडेट, मतलब 4 सितंबर के बाद ही इन सब अब सब आइटम्स का रिव्यू निकल कर आ जाएगा, फिर आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट बुढ़िया बस की, तो ये होने वाले हैं नवंबर मंथ का बुढ़िया बस, जरा एक बार वो भी देखते हैं। तो खैर यहाँ पर गाइस आपको मैं दिखा दूँ नवंबर मंथ बुढ़िया बस का पूरा फुल रिव्यू। आप लोग गाइस सबसे पहले यहाँ पर बैनर देख पा रहे हो, नवंबर मंथ का जो बुढ़िया बस का बैनर आएगा गाइस वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट आइटम्स की जो कि आपको बुढ़िया बस के अंदर मिलेंगे, सबसे पहले आपको MP40 का गन स्किन दिया जाएगा। जी हाँ MP40 गन स्किन आपको मिलने वाले हैं। MP40 के अलावा आपको कुछ इस तरीके से इमोट देखने को मिलेंगे, जैसे इसका रिव्यू निकल कर आ जाएगा आपको मैं दिखा दूंगा। देन ये वाला मेल बंडल आपको बुढ़िया बस के अंदर नजर आ जाएगा, ये होने वाले इसका लूट बॉक्स का स्किन, या फिर से बैकपैक का स्किन नहीं, ये बैकपैक है गाइस, और ये होने वाले सर्व बोर्ड का स्किन। और इसके बाद आपको मैं और एक रिवॉर्ड्स दिखा दे रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पर कुल मिलाकर जितने सारे रिवॉर्ड्स दिखाया हूँ ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स आपको नवंबर मंथ बुढ़िया बस के अंदर देखने को मिलेंगे। सो आज के वीडियो के अंदर आप लोग को उन रिवॉर्ड्स के बारे में पता चल गया कि भाई एक्चुअल में कौन कौन से आइटम्स हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले नेक्स्ट और उसके बाद बुढ़िया बस के अंदर। तो वैसे तो मैं आज के वीडियो के अंदर 3 बुढ़िया बस का रिव्यू कराया हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों बुढ़िया बस का रिव्यू में एक साथ में करा दिया हूँ, तो उम्मीद आपको पूरा पता चली गया। तो गाइस ऐसा कुछ बुढ़िया बस आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले, बाकी आप लोग बताना कौन सा बुढ़िया बस आपको ज्यादा बेहतरीन लगा है, मतलब आपको अक्टूबर मंथ बुढ़िया बस ज्यादा बेस्ट लगा है, या फिर आपको उसके पहले आने वाला सितंबर मंथ बुढ़िया बस ज्यादा बेहतर लगा है, या फिर आपको नवंबर मंथ बुढ़िया बस ज्यादा बेहतर लगा है। बट यहाँ पर कुछ मेरा ओपिनियन है जो कि आपको मैं देना चाहता हूँ बुढ़िया बस को लेकर, ये बात अगर मैं नहीं करूंगा तो बुढ़िया बस का वीडियो समाप्त नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि भाई 2 पॉइंट है, सबसे पहली बात गाइस जिनके पास बुढ़िया बस का फेगमेंट है या फिर बुढ़िया बस का टोकन से, इन बुढ़िया बस पर भी आपको रिंग इवेंट गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। बुढ़िया बस का ऑफिशियल रिंग इवेंट आ जाएगा अपने इन गेम में, फिर आप लोग उस रिंग इवेंट के अंदर जाकर इसीलिए बुढ़िया बस को स्पिन करके भी ले सकते हो। एंड दूसरी बात कि गाइस जो दिसंबर मंथ का बुढ़िया बस आने वाले उसके अंदर आपको अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। मेरे पास दिसंबर मंथ बुढ़िया बस का भी रिव्यू है, मैं एक वीडियो के अंदर चारों का रिव्यू नहीं कराया हूं, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिसंबर मंथ बुढ़िया बस का रिव्यू आपको करा दूंगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहे। मेरे पास रिव्यू आ गया है ये अक्टूबर नवंबर मंथ बुढ़िया बस की तरह। तो और तीसरी बात गाइस ये रहेगा कि देखो दिसंबर मंथ बुढ़िया बस के अंदर डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा, बट मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो यही करूंगा, चाहे तुम किसी बुढ़िया बस को बाई करो या फिर ना करो, बट अक्टूबर और नवंबर मंथ बुढ़िया बस को बाई कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ बुढ़िया बस के अंदर तुमको बढ़िया गुलवाल स्किन देखने को मिलेंगे, बढ़िया बंडल्स मिल जाएंगे, और नवंबर मंथ बुढ़िया बस के अंदर तुमको MP40 का गन स्किन देखने को मिलेंगे। अब यार बुढ़िया बस का आ रहा है, जाहिर सी बात है MP40 के अंदर जो भी एट्रीब्यूट देगा सब कुछ काम का आएगा, बस एक्यूरेंसी को छोड़कर। अगर एक्यूरेंसी को करना वाले प्लस में नहीं कराते, मान लो एक्यूरेंसी नहीं दिया गया है, रेट ऑफ फायर देगा तो MP40 बढ़िया होगा, डैमेज देगा तो MP40 बढ़िया होगा, MP40 के अंदर रेंज देगा तो वो बनी MP40 की तरह काम करेगा तो MP40 काम में आ जाएगा, मूवमेंट स्पीड देगा वो भी काम में आएगा, मतलब कुल मिलाकर MP40 के अंदर जो भी एट्रीब्यूट देगा सब काम का रहेगा, और ये MP40 स्किन तुमको मिलेगा नवंबर मंथ बुढ़िया बस के अंदर। इसलिए मैं तुमको रिकमेंड एक ही बात करूंगा, जिनको भी बाई करना है नवंबर मंथ बुढ़िया बस को बाई कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे मस्त है और मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट तरीका है नवंबर मंथ बुढ़िया बस को बाई करने का, बढ़िया गन स्किन लेने का। तुमको बढ़िया इमोट भी मिलेंगे, बढ़िया MP40 भी मिलेगा, तो MP40 के अंदर एट्रीब्यूट सारे काम आएगा। तो इसलिए ये कुछ बातें आपको कहना था जो मैं बता दिया हूं, अभी आगे आपके ऊपर डिपेंड
करते हैं कि कौन सा बुआ बस को आप लोग बाई करोगे। तो ये कमेंट में आप लोग बताना कौन सा बुआ बस आपको ज्यादा बेस्ट लगा है। तो खैर इसके साथ गाइस मेरा वीडियो आज कहीं तक था, बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।